रुद्रप्रयाग जिले के इस हुडू गांव में जहां हम खड़े हैं, इस गांव की समृद्धि आप हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, जहां की लगभग सारे घर पक्के हैं। इसके अलावा इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां की थोड़ी सी जो पहाड़ों से घिरी ज़मीन है, इसमें साल भर में 12 अनाज पैदा किए जाते हैं, जिसमें कि धान है, दाल है, लहसुन है, प्याज है और कई तरह के मसाले भी हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ के उपजाए हुए लहसुन और मसाले देश के कई महानगरों में बिकते हैं। और हमारे गांव में 12 अनाज पैदा किए जाते हैं, जो इस प्रकार से जैसे हमारे यहाँ धान की फसल होती है, धान में तिलहन होता है, तिल बोलते हैं जिसको इसमें, और उसके बाद हमारे गेहूं की फसल होती है, गेहूं में सरसों आता है, उसके बाद हमारे मनवा की खेती हुई है, मनवा में चौलाई आती है और गहत आता है, सोयाबीन आता है, राजमा आती है और उसमें वो लोबिया भी आता है, और जो एक ये मसूर होती है, मसूर आती है और ये मनवा में ये आ जाता है। और उसके बाद हमारे जो दाल होती हैं अलग से घर में, जैसे राजमा दाल होती है और मटर होते हैं, और उसी में वो जैसे सब्जी में आते हैं, आलू की सब्जी यहाँ पर वो आ जाती है, और यहाँ पे जो फ्रांस बीन की सब्जी भी उत्पन्न होती है, मटर की सब्जी उत्पन्न होती है, जो एकदम से मतलब सूखे मटर अलग दाल के लिए होते हैं और जो कच्चे होते हैं वो सब्जी के लिए उत्पादन किए जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे एक मसाला उत्पादन होता है, हल्दी यहाँ पे उगाई जाती है, लहसुन, धनिया, मिर्च और कुछ ये ऐसे मसाले उत्पादन किए जाते हैं। खेती का ये पूरा काम केवल यहाँ की महिलाएं ही करती हैं। मिट्टी तैयार करने से लेकर खेतों में काम करने तक और जंगल से सूखे पत्ते लाकर गाय के गोबर के साथ कंपोस्ट तैयार करने तक का पूरा बीड़ा हुडू की महिलाओं ने ही उठा रखा है। खास बात यह है कि खेत यहाँ भले ही निजी हों, खेती सामूहिक भावना के साथ होती है। यानी जिस भी महिला को जरूरत महसूस हो, वो दूसरी महिलाओं से भी खेती के काम में मदद ले लेती है। पहले हल लगाते हैं, उसके बाद कुटले से पूरी खेती खन करते हैं, उसके बाद बीज बोते हैं, उसके बाद गोडाई निराई, उसके बाद फसल तैयार करते हैं, 6 महीने में करते हैं तैयार। कंपोस्ट खाद बनाते हैं हम, ये गोबर से, अपनी गाय भैंस के गोबर से ना पत्ते लाते हैं जंगल से, तो इनको सड़ाते हैं तब ले जाते हैं, खाद खुद नहीं लाते हम, यूरिया डीएपी ये नहीं लाते, अपनी शुद्ध खाद बनाते हैं हम गांव। और मैं ऐसे ही खेती बाड़ी का काम करती हूँ, घर में हल लगाते हैं, ऐसे ही मजदूरी करते हैं घर ही पे, और ऐसे साटी, ऐसे ही आजकल हमारे गेहूँ की फसल की कटाई हुई है, उसी को सुखा रहे हैं आजकल घर में। महिला किसानों का यह परस्पर सहयोग यहाँ गांव में एक सामाजिक जरूरत भी है, क्योंकि इस गांव के मर्द ज्यादातर दूसरे कामों में व्यस्त हैं। गांव के बुजुर्ग अवतार सिंह नेगी बताते हैं कि क्यों यहाँ महिलाओं का खेत में ज्यादा समय देना एक परंपरा भी है और जरूरत भी। परिवार तो ऐसे ही है करीबन 65-66 मेरे देखने से, और रोजी रोटी का धंधा यह है कि कुछ खेती से हो जाता है, जनानी लोग जो है खेती ज़्यादा करते हैं, उनका हल लगाने के लिए मर्द हो जाता है परिवार, कोई मजदूरी में लगाता है, कोई अपने आप लगाता है कि नहीं, तो कुछ ये सरकारी नौकरी वाले हैं और कुछ परिवार ऐसे प्राइवेट वाले हैं। केवल हुडू ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के ज्यादातर गांवों के अधिकतर पुरुष या तो सरकारी नौकरी करते हैं या फिर नौकरी के लिए किसी दूसरे राज्य में हैं। ऐसे में महिलाएं ही यहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। स्वयंसेवी संस्था एटी इंडिया ने इसी कारण महिला किसानों पर ज्यादा ध्यान देने का फैसला किया और उन्हें बाजार से सीधे जोड़ने के साथ ही उनमें उद्यमिता विकसित करने के लिहाज से प्रोजेक्ट शुरू किया। आदमियों मेल्स ज्यादा से वो जो एबल बॉडीड मेल्स और वो मेल्स जो मेहनत करने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा माइग्रेट करते हैं, प्लेन्स में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा है दिल्ली में और हर जगह में है हिंदुस्तान में, फॉरेन लैंड भी जाते हैं ना, तो बाकी काम करने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं हैं, और उसको ट्रेडिशनली से ये खेती के काम तो सब महिलाओं करते हैं, केवल हल लगाने का ये मेल्स का काम है, बाकी काम तो सब महिलाओं का है, और महिलाओं को
not only India में लेकिन दुनिया में enterprise development में male से ज़्यादा वो ध्यान देता है और ज़्यादा वो risk assessment को मजबूत है। ये कहानी भले ही पूरी दुनिया की हो या उत्तराखंड के गांवों में भी आम हो, लेकिन एक मामले में हुडू की महिलाएं भाग्यशाली साबित हुई हैं। जहां लगभग सभी पहाड़ी गांवों की मुख्य समस्या खेतों में पैदा होने वाली उपज की मार्केटिंग है, वहीं हुडू की महिला किसानों के लिए देवभूमि प्रोड्यूसर कंपनी ये काम कर रही है, जिससे उन्हें अपनी उपज के बाजार के साथ साथ अच्छा भाव भी मिल रहा है। जैसे हम भी फसल बेचते तो हमें सस्ता से बहुत मदद मिलती है। जैसे लहसुन बेचने हैं तो सस्ता वाले ले जाते हैं लहसुन घर में आकर, बाजार तो बहुत कम बेचते हैं, लेकिन घर ही में आते लोग लहसुन खरीदने के लिए। सस्ता ही हमको बीज भी देती है और हमसे मदद भी करती है। इन फसलों के जरिए यह गांव लगभग आत्मनिर्भर है। यहाँ पैदा होने वाले अनाज, दलहन, सब्जियों और मसालों को बेचकर गांव की ये महिला किसान पूरे साल के लिए अपने परिवार की आजीविका का इंतजाम कर लेती हैं। औसतन 13-14 नाली खेत के मालिकाना हक वाली महिलाएं अपनी कुछ उपज तो सीधे घरों में इस्तेमाल कर लेती हैं और बाकी नकदी फसलों को किसान उत्पादक संगठन देवभूमि के माध्यम से बेचकर घर की दूसरी जरूरतों के लिए पैसों का इंतजाम कर लेती हैं। गाँव के जो खेत है इससे जो है 3 महीने का राशन जो है एक परिवार के लिए पूरा निकल जाता है। और जो नकदी फसल हैं जैसे मसाले में हैं लहसुन है, हल्दी है, धनिया, मिर्च, तो इनका जो है कि अपने यूज के लिए घर पे रखते हैं और जितना सरप्लस हो जाता है उसको बाजार में बेच देते हैं। बाजार में जैसे देवभूमि कंपनी को ये लोग बेच देते हैं, उससे जो है कि इनका जो है कि एक अच्छा मुनाफा हो जाता है, उससे जो है कि बाकी के महीनों के लिए राशन वगैरह वो घर के लिए रख देते हैं। हुडू और इसके जैसे उत्तराखंड के दूसरे गांवों में महिलाओं का घर के साथ बाहर के कामकाज में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पसंद से ज्यादा सामाजिक जरूरत का मसला है, लेकिन इसी जरूरत ने उन्हें एक ऐसी स्थिति में भी पहुंचा दिया है जहां वे आर्थिक मामलों में ज्यादा स्वतंत्र होने के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी अपने परिवार की अगुआ की भूमिका निभा रही हैं। इस गांव की समृद्धि की कहानी के सूत्र समझने और आपको सुनाने के लिए मैं आज सुबह से इस गांव में हूं, लेकिन मुश्किल से 4 से 6 पुरुषों से मेरी मुलाकात हुई और आज शाम को जब इस समय FPO की यहां मीटिंग हो रही थी तो यहां भी मुश्किल से 1-2 पुरुष इस गांव के नजर आए। ये बात इस गांव की समृद्धि को महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ने का एक ऐसा एंगल देती है जो शायद पूरे देश के और समाज के सशक्तिकरण का आधार बन सकती है। हुडू गांव से अनिल वत्स के साथ मंडी.com के लिए भुवन भास्कर।